क्या हो रहा है? हर रोज किसी न किसी वीआईपी का मर्डर, आज फार्म हाउस में पॉलिटिशियन का मर्डर हुआ है। इस बार पॉलिटिशियन का मर्डर पैसों के लिए किया गया है। क्या हो गया है इस शहर को, कोई कुछ नहीं बता पा रहा। ये सब किसने किया और क्यों किया, पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा। अगर क्राइम रेट कम करना है तो पुलिस को मुजरिमों को पकड़ना होगा और उन्हें कड़ी सजा दिलानी होगी, तभी क्राइम रेट कम होगा। जिनका खून हुआ है वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन बनने से पहले वो आर्मी में मेजर भी रह चुके थे। उनका खून किसने किया है और क्यों किया है, कोई क्लू मिला क्या मैम? बताइए, प्लीज टेल अस मैम, बिकॉज मीडिया हैज टू नो। यस मधु। मैम, कातिल ने जानबूझकर ये लेटर छोड़ा है। इसका मतलब क्या है पता है? गलती करना भी फ्रीडम का एक पार्ट है, नहीं तो वो फ्रीडम ही नहीं है। इसलिए ये मर्डर करके छोटी सी गलती की है। थैंक यू गांधी जी। सोसाइटी किस ओर जा रही है आप समझ रहे हैं ना? पहले अगर मीडिया में केस दिखाया गया तो मुजरिम डरते थे क्या होगा ये सोचकर, लेकिन अब मीडिया में आने के लिए ही वो मर्डर कर रहे हैं, तो आप लोग मिलकर उन्हें हीरो मत बनाइए प्लीज। बता नहीं सकती लेकिन जरूर पकड़ेंगे, आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्रमुख पॉलिटिशियन शंकर नारायण की हत्या हो चुकी है और देखकर लग रहा है कि कमिश्नर इस केस को लेकर बहुत ही सीरियस है। सिम ले लो। ओके मैडम। एक भी क्लू नहीं मिला मैम, कातिल कोई प्रोफेशनल लगता है। कितना भी प्रोफेशनल हो, जो किया है वो गलत है, इट कैन नॉट बी हिडन। जो मरे हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानती थी। 25 kgs flesh, 35 kgs bones, 6 liters blood, और एक आत्मा जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। ये सब मिलकर एक मानव का जन्म होता है, ये तो हम सब जानते हैं। एक आत्मा को शरीर से अलग करने की सोच ब्रेन में जनरेट होती है और ब्रेन के न्यूरॉन्स गलती करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहीं ना कहीं उसने कोई क्लू तो जरूर छोड़ा होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, विल मेक डिसीजन आफ्टर दैट। श्योर मैडम। देखा जाए तो ये मर्डर केस में किंग मेकर जीआर का हाथ हो सकता है मैडम। भले ही कोई भी हो लेकिन कानून किसी को नहीं छोड़ेगा। अवॉइड द मीडिया प्लीज। यस मैडम, प्लीज प्लीज हटिए, साइड दीजिए प्लीज, साइड हटिए, हटिए मैम, ये सब कैसे हुआ प्लीज बताइए मैम, हटिए। जीआर को मारना है, अगर तुम उसे मारोगे तो श्री सेलम हाईवे की रेड्डी राइस मिल में आ जाओ। सुनो ना। हे, जीआर को मारना है बोल रहा है। ओह,
किसी दिन मरेंगे सोचकर ये इस धंधे में आए हैं। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में हम बच सकते हैं या मर सकते हैं, नहीं तो 100 करोड़ मिलेंगे, एकदम सेटलमेंट। क्या है भाई? मर्डर करना है। किसका भाई? जी आर। भाई नहीं भाई, उसका नाम सुनकर ही मेरी रूह कांप जाती है। ए, जो दिमाग उसके पास है वही दिमाग मेरे पास भी है, उसको देखकर अगर हम लोग डर रहे हैं तो प्रॉब्लम हम में है। जो मारने के लिए तैयार हो वही मेरे पीछे आए, जिंदगी बदल दूंगा। मैं आता हूं भाई। जिसने ये मैसेज किया वो कहाँ है? अभी तक आया नहीं है वो। मैसेज तुमने ही किया था ना? मैंने नहीं। मैसेज मैंने नहीं किया। हम भी मैसेज देख कर आए। पता नहीं, मैंने ही भेजा है। अगर एक भी गोली चली तो पूरे की पूरी गोलियां तुम्हारे शरीर में उतार दूंगा। मतलब इस शहर में तुम 4 लोग मुझे मार सकते हो, ऐसा विश्वास, और मारने के लिए गट्स भी है। गट्स होगा तो किसी भी दिन अटैक करोगे। किसी को उंगली करो तो ही पता चलेगा ना कि वो क्या सोच रहा है, इसीलिए उंगली की। समझ में नहीं आया? मैंने 100 करोड़ का लालच देकर मैंने अपने दुश्मनों को खोज निकाला। लालच की भी एक हद होनी चाहिए, नहीं तो ऐसी मुसीबत सामने आ जाती है। ये गलत हुआ है जीआर, हमको धोखे से यहाँ बुलाया गया है। ये गलत बात है जीआर, आपने धोखा दिया है। कितना भी अच्छा सोच लो, इंसान का स्वर्ग में प्रवेश है ही नहीं, फिर क्यों न्याय से जीतना है? इसीलिए मैं इधर ही स्वर्ग बना रहा हूँ। मुझे मारने के लिए रेडी होकर 20 करोड़ एडवांस लेकर जाने के लिए आए हो आप लोगों के लिए और भी बड़ा रिटर्न गिफ्ट देना है मुझे। ये लो। मुझे मारने की हिम्मत किसी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आए तो वहीं रुक जानी चाहिए। तुम लोगों की हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन तुम लोग मुझे पसंद नहीं आए। हैप्पी जर्नी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बैठिए। आइए। आपके आने के लिए थैंक्स। इनका नाम स्टेफन है, नाइजीरियन। इनके हाथों में बहुत अच्छी कला है। हमारे दोनों स्टेट में बहुत अच्छे ग्राहक हैं। इतना है कि साल में 400 करोड़ का बिजनेस होता है, लेकिन वो बिजनेस यहाँ करने के लिए मैं अकेले नहीं, आपका भी सपोर्ट चाहिए मुझे, इसीलिए आपको बुलाया है। ये भी बोलता रहता है कि ये धंधा हमें नहीं करना भाई, बाहर भी कुछ लोग अगर मिल गए तो सब लोग एक जैसी ही बात करेंगे ना, इसीलिए आपको हमारा साथ देना है, इसीलिए सपोर्ट के लिए आपको बोल रहा हूँ।
ये, मैं, मीडिया और आप, क्या बोलती हैं? देखो जीआर, मुझे लगा तुम बदल गए हो ये कहने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम मुझे बदलने को कह रहे हो। ये मुझसे नहीं होगा। फिर हम लोग ही करेंगे। तुम लोगों को भी नहीं करने दूंगी। मुझे सिक्योरिटी की तरह यूज करके साल में तुम 400 करोड़ कमाना चाहते हो। इस स्टेट में लाखों लोगों को कोकेन एडिक्ट बनाकर मौत के मुंह में झोंकना चाहते हो। किसी भी हालत में मैं ये ना करूंगी और ना करने दूंगी। कैसे नहीं करने दोगी देखता हूँ। कैसे करोगे मैं भी देखती हूँ। शहर में मर्डर्स क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये मुझे अच्छे से पता है जीआर। बिना क्लूज के मर्डर करके तुम खुद को होशियार साबित करना चाहते हो, पर याद रखो हमेशा वक्त एक जैसा नहीं होता। किसी दिन तो पकड़े जाओगे ही और तब अरेस्ट या कोर्ट केस नहीं होगा, सीधे डिसीजन होगा। ए एसीपी, मुझे सपोर्ट करोगी तभी शहर में जिंदा रह पाओगी, नहीं तो तुम्हारी मर्जी तो चलेगी, यहाँ नहीं, इस जमीन पर नहीं, ऊपर। बेस्ट ऑफ लक तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने के लिए। केस में फंसाया गया है इनको। तुम्हारा नाम क्या है? अरविंद मैडम। तुम्हारा? कल्याण मैडम। बल्लू है मैडम। क्या? बल्लू अप्पिया नाम है, सब लोग बल्लू बोलते हैं। हे, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग जानते हो ना, अगर तुमने सब कुछ सच सच बता दिया तो जिंदा बच जाओगे, और अगर झूठ कहा एनकाउंटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होगा। जो हुआ है वो सच बताने पर ही डिसाइड होगा तुम बचोगे या नहीं। तो क्या करना है ये अच्छी तरह से सोच लो। हम तीनों टीआरआर कॉलेज में बीटेक स्टूडेंट्स हैं मैडम। एक दिन हम
तो इसका साला लगता है या मेरा साला लगता है? जल गई क्या? मेरी भी ऐसे ही जली। ए, आराम से। क्या रे, तू भी सेम रिएक्शन ही दे रहा है? क्यों, तेरे मेरे लिए एक ही रूल है ना, अगर तूने उल्टी हरकत की ना तो हम भी वैसे ही हरकत करेंगे ना। 30 के ऊपर उम्र है तेरी, अगर तुझे इतना गुस्सा आता है तो हम तो 20 साल के हैं, तो हमें कितना गुस्सा आएगा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। क्या रे, ज्यादा शाड़ा बन रहा है क्या? शूटर आ गया, चल बाहर पैसे देने। रुक रे, चल ना। ए, वहां पर देख, सही समय नहीं है, बाद में मिलेंगे, चल। हे कल्याण, एक बात पूछता हूँ, कुछ सोचना मत। हाँ पूछना। जब मैं दारू पीता हूँ, पीते हो तो लड़की से एंजॉय करूँ मन करता है। तुम भी पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। हे, क्या बोला मैंने, फ्रेंड्स कैसे होते हैं पता नहीं है क्या तुमको? हे बल्लू, पता है ना, लड़की और दारू दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हाँ। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कनेक्ट हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। सही कहा। सुनकर ही बहुत की काई है, एक ऑलरेडी कनेक्ट हो गई है और दूसरा कब कनेक्ट होगी उसके लिए वेटिंग में हूँ। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, इस बार तो हो जाएगा। तो क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। गो टू हेल। नो, आई गो टू पी, प्लीज स्टॉप। नो वे, आई कांट स्टॉप। 5 बियर पी रखी है, अंदर पूरा फुल पड़ा हुआ है, प्लीज स्टॉप। देख, तूने 5 बियर पी है या 20 बियर पी है, मैं नहीं रोकने वाला हूँ। 5 मिनट कंट्रोल कर, ठीक है? तेरी तो ऐसे तो नहीं मानेगा। अरे रुक जा। तेरी तो मुझे रोकेगा क्या? मैं इस कार में ही सुसु करूंगा। अरे जल्दी कर, क्या कर रहा है, रोक ना गाड़ी। अरे क्या कर रहा है कल्याण, पागल है यार, सारा नशा उतार दिया तूने, सच में पागल है तू। अभी आता हूँ। अजीब है यार ये, इसकी तो इस दुनिया में तो मेरे भाई ब्लैकमेल के बिना कोई काम ही नहीं होता है। बियर बहुत कम करना है, इधर अच्छा है, इधर करता हूँ। इसकी तो दुनिया में पेशाब करने के लिए भी शांति नहीं है। मेरा नाम लिखता हूँ, BALLU, बल्लू। कल्याण, अरविंद, कल्याण। हे हाँ, बल्लू, बल्लू, चल चल। हे, क्या हुआ तुझे, चिल्ला क्यों रहा था, सांप दिखा क्या, फिर क्या हुआ? किसी ने इसका मर्डर कर दिया है और ये जगह भी काफी खतरनाक लग रही है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। हे चल चल, चलते हैं। हे कल्याण चल। हे बल्लू, रुको, 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 शांत रह। पहले देखते हैं कि वो जिंदा है या नहीं, अगर अगर वो जिंदा है तो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, कम से कम उसकी मदद तो कर सकते हैं ना। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। रुक जा। रुको,
कार के डोर्स खुले हैं और लाइट्स भी ऑन है, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा। एक बार जाकर देख कर आओ। ओके सर। सर, यहाँ क्या हुआ है सर? हमारी बात सुनिए सर, सर, हम तो यहाँ पेशाब करने आए थे। सर, हमारी बात सुनिए। सर, रुको, रुक जा। सर, अगर एक कदम भी आगे रखा तो शूट कर दूंगा। बैक ऑफ। एक बार हमारी बात। I said back off. On your knees. सर हम बैठ जा, कहा ना बैठ जा। सर देखिए, यहीं डेड बॉडी भी पड़ी है। मैंने इनको अभी यहीं देखा था, फिर ये लोग मेरा पीछा करने लगे। सर ये सब क्या चल रहा है तुम तीनों का? इसको मार कर यहाँ पर दफनाने आए थे? सर, नहीं सर, हम स्टूडेंट्स हैं सर। एक्चुअली हम तो पब से आ रहे थे सर। ये बल्लू है ना सर, इसे पेशाब लगी थी इसलिए कार रोकी थी। वो यहाँ कर बहुत जोर से चिल्लाया सर, और यहाँ कर देखा तो डेड बॉडी पड़ी थी सर। हमें कुछ नहीं पता। और ऐसा इसने बोलने के लिए कहा? नहीं सर, ये सच बोल रहा है। इतना अर्जेंट टॉयलेट जाना था तो उधर ही कहीं जाते ना, इतना अंदर आने की क्या जरूरत थी? सर वो मैं बताऊं क्यों? उधर पेशाब करते वक्त वहां कुछ पेड़ हिले, इसलिए तुम अंदर आए। सही है ना? हाँ सर, आप एकदम सही बोल रहे हो सर। कहानी बहुत अच्छी बनाते हो। इन्हें थाने पे लेके जाते हैं, ये फिर सब उगल देंगे उन्हें। सर 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 प्लीज सर, प्लीज एक मिनट सर, प्लीज प्लीज। ये हमारे कॉलेज का आईडी कार्ड है सर। टीआरआर कॉलेज में बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ते हैं सर। हमें कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिली है सर, उसी खुशी में हम पब में गए थे सर। यकीन कीजिए प्रिपरेशन काफी अच्छी है। ये सब कोर्ट में बोलना मुनि। सर प्लीज सर, सर 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 प्लीज सर, सर प्लीज सर, छोड़ो सर सर प्लीज सर, आप ही हमें बचा सकते हो सर। सर हमें जेल मत भेजो सर, हमारा पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा सर, और हमारी फैमिली में सब लोग हमारे ऊपर ही डिपेंड है सर। प्लीज सर। ठीक है, आप सब इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक चांस देता हूं। बताइए, बोलिए ना सर। 30 लाख लेकर आओ, ये केस आपके ऊपर नहीं आएगा और आप लोगों को अभी छोड़ दूंगा। 30 लाख? 30 लाख? सर घर से सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम पर झूठ बोलकर पॉकेट मनी लेते हैं सर, लेकिन इतने पैसे हमारे पास नहीं है सर। सर आपको उस कार को देखकर लगता है कि हम अमीर हैं, वो हमारे कॉफी शॉप ओनर की है सर। हाँ सर। मुनि सर, वो गाड़ी से हथकड़ियां लेकर आओ, जरूरत पड़ेगी इनको थाने में ले जाकर ही। सर प्लीज सर, प्लीज सर, और एक ऑप्शन दो सर, प्लीज सर, बस एक ऑप्शन। उठो उठो उठो, बोला ना। इतनी भीख मांग रहे हो इसलिए मैं आप लोगों को और एक ऑप्शन देता हूं। प्लीज सर, प्लीज पक्का दे दो ना। हाँ सर, लेकिन उसके बाद आर्गुमेंट की ना तो जेल में डाल के। और कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले जैसे 30 लाख नहीं, 24 घंटे दे रहा हूं, जाकर 20 लाख लेकर आओ। क्या सोच क्या रहे हो? नो सर, आपने बोला तो 24 घंटों में 20 लाख लेकर आते हैं। गुड, साउंड्स ग्रेट। मुनि सर,
डेड बॉडी के पास खड़ा करके इनके फोटोज लो और डेड बॉडी वैन में रखो। हाँ जी सर। इनके आईडी कार्ड्स भी ले लो। ओके सर। ये सब इसकी वजह से हुआ है। क्या देख रहा है? क्या है, क्या है ये? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उतना पैसा कहां से लेकर आओगे? नाइट कॉल बॉय का कल्चर चल रहा है, वहां जाओगे क्या? अगर वहां गए भी तो सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे, बाकी के पैसे कहां से लेकर आओगे? 20 रुपए का कॉन्डम भी नहीं ले पाते 20 लाख 24 घंटे में, कैसे लेकर आएंगे यार? दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बताओ कैसे देंगे? बताओ क्या करें? बताओ, बोलो ना, बताओ बताओ। क्या हुआ, कुछ सुनाई दे रहा है क्या? ये तो अरविंद की वॉइस है। ओह माय गॉड। अरविंद 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 अरविंद, दरवाजा खोलो अरविंद 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 अरविंद। क्यों बचाया मुझे तूने? हाँ बोलना, क्यों बचाया मुझे? तुम अकेले मरकर इस प्रॉब्लम से भागना चाहते हो क्या? और हमारा क्या होगा? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अगर मेरी फैमिली को पता चला सब खत्म हो जाएगा। पर ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं तो तू ही बता, 24 घंटे में पैसा कहां से लेकर आएगा? हम सब नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। होगा, हमें ये करना होगा। कैसे? बताना कैसे? आई डोंट नो। मुझे भी नहीं पता। आइडिया, हमारे कॉलेज में एक लड़की है, मस्त है वो, उसको देखकर कोई भी फिसल सकता है। उसका हमारे प्रॉब्लम से क्या संबंध है? है संबंध है ना, वो गोल्ड स्पून लेकर पैदा हुई है, ऑडी कार के बिना तो उतरती नहीं है। उस लड़की को एक लड़के ने प्रपोज किया था, मैंने देखा था, मैं शौक हो गया। वो क्या बोली पता है? हे, मेरे पापा को कास्ट फीलिंग नहीं है, रिलीजन फीलिंग नहीं है, उन्हें सिर्फ एक फीलिंग है, वो है पैसा। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो आके पापा से बात कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा बोली वो। ये देखो उसका फोटो। हे, उस लड़की का फोटो तुम्हें कैसे मिला? इसको देखकर तो मैं चिल होता रहता हूँ। अरे छोड़ो ना इसको, मेरी बात सुनो। उसको किडनैप करते हैं। हाँ? उसके बाप को फोन करके 20 लाख मांगते हैं, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही करते हैं, क्या बोलते हो? प्लीज। क्या किडनैप? नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर किडनैपिंग का प्लान फेल हुआ तो किडनैप के साथ साथ मर्डर भी हमने किया, ये कंफर्म हो जाएगा। फिर तो हम लोग बुरी तरह से फंस जाएंगे। मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये किडनैपिंग हमारे लिए नहीं है, मैं नहीं करूंगा। करना पड़ेगा, अब हमारे पास किडनैपिंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार सोचो, हमने अगर 20 लाख नहीं दिए तो जेल जाएंगे, गांव में सबको पता चल जाएगा, इवन किडनैप फेल होने से भी जेल में जाएंगे, तब भी गांव में सारे लोगों को पता चल जाएगा। इन केस किडनैप सक्सेस हुआ तो इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ सकते हैं। हाँ, हाँ। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट वी हैव टू फेस इट। डिफिकल्टी इज लाइक अ फुल बैग ऑफ कॉटन, इट इज हैवी फॉर पीपल हु सी इट एंड इट इज लाइट फॉर पीपल हु हैंडल इट। हम इस वक्त जिस डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं उसे ऐसे ही हैंडल करना होगा, ऐसा सोचेंगे तो ही बाहर आ सकते हैं। अवर ड्रीम ऑफ सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन फियर ऑफ फेल्यूर। यू नो गॉड नेवर प्रोमिस एन इजी जर्नी, ही ऑलवेज प्रोमिस टू बी ग्रेट डेस्टिनेशन। वी मस्ट थिंक दैट वी आर ऑलवेज मच बिगर देन आर प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम से अगर बाहर आना है तो हमें ये काम करना ही होगा, ठीक है? कम ऑन ज्वाइन मी। ये प्रॉब्लम तुम्हारे अकेले की नहीं है, हम तीनों की है। Trust me.
ए वो लड़की आ रही है। एक्सक्यूज मी मैम। या बाहर 9071 कार आपकी है मैम? यस। एक्चुअली थोड़ी पार्किंग प्रॉब्लम है, सो कुड यू पार्क इट ऑन क्लियर मैम? या श्योर, थैंक यू मैम। हे गलियन डन। मैडम थोड़ा और आगे जाके पार्क करो। कल्याण डन। अब आगे एक बार अगर वो होश में आ गई तो उसके बाप की डिटेल्स पता लगानी होगी। दूसरी, उसकी बेटी किडनैप हुई है ये बात उसे पता चलनी चाहिए। उसकी फोटोज व्हाट्सएप पे शेयर करनी होगी। तीसरी, एक कॉन्फिडेंशियल जगह पे जाकर उसके पापा से 20 लाख की डिमांड करेंगे। वाओ सुपर, एक किडनैपर की तरह तूने एक्सप्लेन किया है। मुझे धोखा देने की सोचा, इसीलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर यही सोच बरकरार रखी तो तुम्हारा डायरेक्ट भगवान से इंट्रोडक्शन होगा। लेकर जाओ इसे। ऐसा ही जिंदा क्यों छोड़ दिया भाई? इसे मार देना चाहिए था। जिंदा रहेगा। अभी जो मैंने उसके साथ किया वो उसे मारने के लिए नहीं, डराने के लिए किया। हमारा धंधा प्रॉफिट से नहीं, डर से चलता है। ये देखो, ये खून देखते ही मुझे भूख लगने लगती है। पानी डालो। इसका खून कितना लाल है। हाँ बेटी को फोन करो, दोनों मिलकर टिफिन खाते। ठीक है भाई। सर हाँ, इस विला में जो आपने बोला था वही मटेरियल ऑर्डर किया है। ये सेकंड वेंचर कंस्ट्रक्शन के लिए वुड बैंगलोर से ही ऑर्डर किया, विद इन अ वीक आ जाएगा भाई। हाँ ठीक है, तुम जाकर वो काम करो। क्या हुआ? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। 10 मिनट के बाद वापस फोन करना, मिल जाए तो मुझे लाकर देना। ठीक है भाई, चलो। क्यों यार, क्या हुआ? इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सब जगह ढूंढ लिया पर कहीं पर्स नहीं मिल रहा है। क्या पर्स नहीं मिल रहा है? कहां पर मिस हुआ है? आई थिंक जहां से किडनैप किया वहीं पे गिर गया होगा। ठीक है बल्लू, मैं और अरविंद जाते हैं। तुम कैसे भी करके उसकी बाप की डिटेल्स निकालो। हम लोगों के आने के बाद 20 लाख की डिमांड करते हैं। ओके तू जा। जा ए, चल चल। ए लड़की, तुम्हारा किडनैप हुआ है। मास्क निकालने के बाद चिल्लाई तो। मेरे दोस्त बाहर ही खड़े हैं, वो आकर तुम्हारा गला काट देंगे। उन लोगों से मैं थोड़ा अच्छा हूं, थोड़ा सॉफ्ट। पानी पानी। पी लो। ये पानी नहीं पीऊंगी, कुछ मिलाया होगा इसमें। ये छी, इसमें कुछ नहीं मिला है, बस थोड़ा वोडका है। कौन सी ब्रांड की? व्हाइट मिस्टी। इतनी सस्ती ब्रांड मैं नहीं पीती। आप सब लड़कियां गंदी हो गई हो, बिना दारू के खाना भी नहीं खाती हो। आप लोगों को दारू भी चाहिए और मेरा देश भी चाहिए। टैप वाटर ही आता है, बिस्लेरी नहीं आता है। इतना बजट नहीं है। देखो मुझे कुछ हुआ क्या? अब तुम भी पी लो। मुंह बंद करके कैसे पीते हैं? हाँ पिलाओ।
कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों किडनैप किया है? तुमसे काम है, काम होने के बाद छोड़ देंगे। क्या कहा? कौन सा काम? छी छी, उसके लिए नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। क्यों? करंट नहीं है क्या? अब बहुत हो गया, लड़कियां ज्यादा हो रही हैं, लड़के कम हो रहे हैं। बोल रहे हो, क्या सोच रहा था? अगली जनरेशन में खुद किडनैप करके खुद रेप करोगी, ये पक्का है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों किडनैप किया है? हाँ बताता हूँ। मेरा चेहरा देख लिया, अब क्या करूँ? किडनैप होने के बाद उसने अपने पापा को मेरे बारे में बता दिया तो वो लोग मुझे पकड़ कर मार देंगे, तो मुझे इनका नाम बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इस लड़की को अपने बारे में पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए ट्राई करता हूँ, मतलब सच बोलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल नहीं देख पा रही, घूमो इधर। हे, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? रोने के बिना और क्या करूँ मैडम? मैडम, तो फिर पहले लड़की क्यों बोल रहे थे? पहले ऐसे ही बोलना था, अब ऐसे बोलना, प्लीज समझो ना मैडम। समझ में नहीं आ रहा। आपको नहीं समझ आया तो छोड़ो मैडम, हमने आपको किडनैप किया है, एक बार हमारी बात सुन लो मैडम। मैं नहीं सुनूंगी। नहीं सुनोगी? नहीं। प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बात सुन लो मैडम, मैडम प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उठो पहले। सुनने को बोल तो रहे हो तुम, पर क्या बताने वाले हो? हमारी कहानी। ऐसे बांध के बताओगे तो मजा आएगा क्या? मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग से बताऊंगा। फिल्म डायरेक्टर बनना चाहते हो क्या? इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो। जोक मत करो मैडम, हमारा एक खूबसूरत गाँव है, नाम है तेनाली। तेनाली बोल रहे हो और तेलंगाना में हो? अरे उधर से आकर इधर सेटल हुआ हूँ मैडम। देखो तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो मैं नहीं सुनूंगी। प्लीज मैडम सुनो ना, मैं अरविंद कल्याण अच्छे दोस्त हैं। तीन लोग इमेक्ट एंट्रेंस लिख कर हम लोगों की इमेक्ट में अच्छी रैंक आई थी, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने हमारी पढ़ाई के लिए मना कर दिया, तो हमने अपने गांव के सरपंच को सब बताया। वो हमारी रैंक्स देखकर बहुत इम्प्रेस हुए, हमें सिटी में पढ़ाई करने के लिए और हमारे मेंटेनेंस के लिए उनके भाई की कॉफी शॉप पर जॉब दिलाकर हमारे पेरेंट्स को कन्विंस किया, तो हम कॉलेज जाकर कॉफी शॉप में जॉब कर रहे थे। तभी एक दिन ब्यूटीफुल, मेरा तो दिल धड़क रहा है। लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में ही प्यार हो गया यार। अरे जो बोलना चाहते हो यहाँ नहीं, वहाँ जाकर बोल दो ना मेरे भाई। थैंक यू सो मच, अब जाकर पता लगाता हूँ। एक्सक्यूज मी। हे कल्याण, यू Do you know me? Yeah, I know you very well. I mean, how? मैं भी तुम्हारे कॉलेज में हूँ। लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। कैसे देखते, तुम हमेशा तो बुक्स पढ़ते रहते हो। जब सर उठाकर थोड़ा यहाँ वहाँ देखोगे तब तो आसपास की दुनिया और मैं दिखेंगे तुम्हें। मैंने हमेशा तुमको लाइब्रेरी में ही देखा है। कभी कभी हमारी आँखें भी हमें धोखा दे जाती है, लेकिन जितना आप सोच रहे उतना भी अच्छा नहीं हूँ। दो या तीन ही बार लाइब्रेरी में देखा होगा आपने। Great people never accept their greatness. आप अभी भी सच में गलत फहमी में हो। आपको यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। By the way, what would you like to have? Coffee? Sure. Yeah, I will get it for you. Coffee. Yeah. Excuse me. जरा आपके कल्याण सर को बुलाएंगे? सर? कौन सर, किसका सर? वो मेरा दोस्त है, मैं भी आपके कॉलेज से। क्या कहा, कॉलेज में हो? क्यों, इतना शौक क्यों हो गई? वो आपको कभी कॉलेज में देखा नहीं ना? आके कॉलेज में नहीं देखती होंगी। ठीक है, मैं उसको बुलाता हूँ। सॉरी, सब कुछ बोलने के बाद सॉरी बोल देती हो, यही होता आजकल। ओके ना, मैं उसको बुलाता हूँ, बाय। गलत मत समझना। उसमें समझना क्या है? हाँ बोलिए। कुछ नहीं, बस थोड़ी कंपनी दोगे क्या? शो। थैंक्स। आपकी आंखें उतनी भी अच्छी नहीं है। हाँ? लगता है आपको जरूर धोखा दे रही है। कैसे? मेरे बारे में सब कुछ अच्छा दिखा रही है ना? तुम्हारी अच्छाई ऐसे ही नहीं दिखी मुझे। फिर ये ऐसा झूठ क्यों बोला तुमने? ऐसा नहीं बोलता तो वो मुझे नहीं छोड़ती ना। उस लड़की ने तुम्हें लव करने के लिए नहीं बोला था, बस डेट करने को कहा था। सॉरी,
मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता था। आई जस्ट यू नो मेरी नजर में अच्छी लड़की मतलब साफ दिल की होनी चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रेवल विद अ ब्यूटीफुल सोल, नॉट विद अ ब्यूटीफुल बॉडी। उसका नजरिया अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे पसंद नहीं आई। मुझे तो इसलिए पसंद हो तुम। व्हाट? आई मीन एज अ फ्रेंड। ओके ओके श्योर। कल तुम फ्री हो? बहुत बिजी हूँ। क्यों? मुझे एक्चुअली कल अकेले कहीं दूर जाना है, तो क्या तुम आओगे? या ओके ओके। आपका नाम क्या है? कल जब तुम आओगे तब बताऊंगी। No way, we are just friends. Friend lover हुआ तो accept करोगी क्या? हाँ। ए, तुम्हें मैं कब से ढूंढ रहा हूं, कहीं नहीं मिली। तुम्हारे सेलफोन का जीपीएस ट्रैक करके यहाँ आया हूँ। यहाँ क्या कर रही हो? इस दुनिया में अगर मेरा किसी से रिश्ता है तो वो मेरी माँ से है। वो बस फिजिकली मुझसे दूर हो गई हैं। आई एम वेरी सॉरी। जब मुझे खुशी या दुख होता है ना, तब मैं यहाँ आती हूँ। फिर अब तुम खुशी में आई हो या दुख में आई हो? खुशी में। खुशी में फॉर वॉट? वो इसलिए, बिकॉज आई गॉट यू। बताओ तुम मेरे साथ ऐसे ही रहोगे ना? पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना तो बहुत मुश्किल है। क्यों? कल से मैं सिक्स पैक के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे जोक मत करो ना प्लीज। ओके ओके ओके, जस्ट किडिंग। बताओ ना, हमेशा ऐसे रहोगे ना? ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि तुम में ईगो बहुत है, जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इसलिए। देखो काव्या, मौत ही हमेशा के लिए इंसानों को अलग करती है, लेकिन ये ईगो और गुस्सा ये सब कुछ ही पलों के लिए है। तुम्हारे और मेरे बीच में कभी ईगो नहीं होगा। क्यों? आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। तुम बोलती रहती हो ना किताबों की दुनिया से बाहर निकलो तो हमें इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद दुनिया में कभी भी कहीं भी देखो तो तुम ही दिख रही हो। तुम्हारे सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। सच कहूं तो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। आई थिंक मैं और तुम अलग नहीं है काव्या, तो फिर ईगो कहां से होगा बताओ? ए, वही कॉल कर रही है। हाय कल्याण। हाँ बोलो। तुम्हारी वॉइस की फ्रीक्वेंसी बदल गई? नहीं तो, दो दिन से तुमसे बहुत ज्यादा चैट पर और कॉल पे बात की ना, इसलिए बहुत खुश हूँ। सॉरी, फ्रेंड की एंगेजमेंट के लिए गई थी और वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। बहुत कॉल ट्राई किया मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बोलो। कल मेरी माँ की ग्रेव के पास आओगे क्या? एनीथिंग स्पेशल? कल मेरी लाइफ का बहुत स्पेशल डे है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मे आई नो दैट? सरप्राइज, तुम आओगे ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। सरप्राइज बोल रही हूँ ना, तुमसे पहले आकर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा वेट करूंगा। श्योर श्योर। थैंक यू। ओके बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। यस बल्लू, द मोस्ट मेमोरेबल डे इन माय लाइफ। बहुत खुशी हो रही है। वन सेकेंड, हैप्पी बर्थडे काव्या। थैंक यू। बर्थडे के दिन प्रपोज करना है, इसलिए इतना दिन वेट किया है मैंने। एनीवे, थैंक यू आप दोनों को। मैं कल्याण को प्रपोज करने वाली हूँ, आपने बताया तो नहीं ना? हमें बहुत बड़ी पार्टी देना। हाँ जरूर दूंगी, बहुत बड़ी पार्टी दूंगी तुमको, कल्याण को, सबको। मेरे इस बर्थडे को ना स्पेशल डे जैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखो देखो, चोट लग गई इसे। अरे कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, कितना खून बह रहा है। हेलो, कौन? आप कौन है? काबे के फोन पर आप बात क्यों कर रहे हैं? ये लड़की आपकी फ्रेंड है क्या?
इनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ कहाँ पर, क्या हुआ? मणिकोंडा में आ जाइए। हम अभी आते हैं। हे काव्य, का एक्सीडेंट हुआ, चल। कुछ नहीं होगा, हम हैं हॉस्पिटल। अब क्या बोलना चाहती हो काव्य? पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, चलो काव्य। प्रॉमिस करो। बताओ, अगर मुझे कुछ हो गया तो कल्याण को मुझे भूलने के लिए कहोगे? हम कहेंगे, लेकिन पहले हॉस्पिटल चलो। चलो हम हॉस्पिटल चलते काव्य। कहोगे ना? हे कल्याण, कल्याण, हे कल्याण, 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 तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना। आखिर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? फोन स्विच ऑफ है तो यहाँ जाओगे? ठीक है ठीक है, काव्या के आने का टाइम हो रहा है, तुम लोग जाओ यहाँ से। वो नहीं आएगी, यही बताने हम यहाँ हैं। ए क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ? ए क्या हुआ, क्या हुआ काव्या को? आज उसका बर्थडे है, उसने तुम्हें बताने के लिए मना किया था। आज वो तुम्हें प्रपोज करके सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए काव्य तुम्हारे पास बस आ ही रही थी। आ रही थी तो क्या हुआ? आखिर क्या हुआ बताओ मुझे। रोड एक्सीडेंट में एक कार ने उसको मार दिया। वो उधर ही, उधर ही, उधर ही क्या हुआ बताओ? मर गई। प्लीज प्लीज डोंट से दैट, शी इज नो मोर, ओके? Never ever say that. वो मेरे लिए अभी भी जिंदा है, उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत यादें छोड़ कर गई है, और उन यादों में वो अब भी जिंदा है। मौत ही इंसान को दूर करेगी, मैंने उसे बताया था, मैं उससे दूर नहीं रह सकता हूँ यार, इसीलिए वो मर गई, इस बात का यकीन नहीं हो रहा। मेरे लिए उसके साथ बिताए हुए पल ही काफी है, मैं जिंदा तो रहूंगा पर एक लाश की तरह, बस एक लाश की तरह। लिव मी अलोन, लिव मी अलोन। कल्याण, हे कल्याण, 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 हे कल्याण, हे कल्याण, हे कल्याण, कल्याण, हे कल्याण, उठ कल्याण, कल्याण, उठ। उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, तभी कैंपस इंटरव्यू हुआ तो लकीली हम लोग उसमें सिलेक्ट हो गए। उसका मूड चेंज करने के लिए हम लोग पब में गए थे, और वहाँ से घर जाते वक्त गलती से एक मर्डर केस में हम फंस गए। हमने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन CI ने हमसे 20 लाख रुपए मांगा, हम क्या करें कुछ समझ नहीं आया, तो आपको किडनैप किया। बस यही हुआ मैडम, क्या हमारी मदद करो मैडम। यहाँ से जाने के बाद अपने पापा को मत बताना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आपके पापा बिजनेसमैन है ना, उनके पास बहुत पैसा है ना, आपके पापा क्या करते हैं मैडम? हाँ, एक्चुअली मेरे फादर के बारे में बोलना है तो वो तो सारे फील्ड में इन्वॉल्व है। अरे हे, पर्स मिला क्या? हाँ मिल गया। उस लड़की के बाप के बारे में पता चला? वो बिजनेसमैन है ना? अरे कुछ तो बोल यार। हाँ पता लगाया, वो पक्के बिजनेसमैन है। अच्छा ठीक है। शिट। हेलो, हेलो, कहाँ तक पहुँचे? सर उसी काम में लगे हैं सर। जल्दी जल्दी करो, पैसा रेडी नहीं किया ना तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। करो करो, करियर तुम्हारे हाथों में, जो टाइम दे उसके पहले दे देंगे। ठीक है मैं रखता हूँ। थैंक यू सर। मुनी, रात वाली उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया? 1 घंटे में आ जाएगा सर। ठीक है, जैसे ही रिपोर्ट आता है मुझे बता देना। ओके सर। जल्दी भाई। क्या हुआ? आपने जब से बोला ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार कॉलेज फोन करके पूछो। पूछा था भाई, वहां भी नहीं आई है। भाई मुझे डाउट हो रहा है। शहर से अपने आदमियों को बुला लो, और उन्हें क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है भाई। Thank you.
टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। रुक यार, फोन हैंग हो रहा है। एक बार ऑफ करके ऑन करो। हे, आईफोन है यार। हे, कोई भी फोन, उससे क्या? फिर वो लड़की? हे, वो लड़की नहीं। फिर तूने किया क्या? आईफोन है ना, थोड़ी क्लियरिटी होगी इसलिए देखा। पागल कहीं का, सिचुएशन क्या है और तू कर क्या रहा है? अगली बार फोन को हाथ लगाना तो बताता। अरे ये सब छोड़ो ना यार, सिग्नल ट्रैक करने से पहले फोन करना। देख कॉल जा रहा है। हाँ, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ। हमने जो व्हाट्सएप क्लिप भेजा है वो तूने देख लिया होगा ना? तेरी बेटी अनु को हमने किडनैप किया है। है तू जो भी हो हमें नहीं पता। 20 लाख समझ में आया क्या? शांति से हमारी बातें सुनकर हमें अगर 20 लाख दिया तो तेरी बेटी सुरक्षित घर आ जाएगी। अगर कुछ भी पागलपंती की ना तो लाश बनकर आएगी। ए! मैं जो बोल रहा हूँ वही सुन, जो करने को बोला है वही कर। पैसों को किधर कैसे लेकर आना है बाद में मैं फोन करके बताता हूँ। तब तक तुम लोग वेट करते रहो, समझ में आया? और कोई चालाकी नहीं। सर, जीआरजी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ सर, बताओ। आप क्या करोगे मुझे पता नहीं। एक घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। याद रखना ये मेरी बेटी के बारे में है। अगर उससे कुछ हुआ तो ए इंस्पेक्टर, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मुझे वो सही सलामत जिंदा चाहिए। वो कोई भी हो मैं उसे आपके सामने लाकर रहूंगा। मुझे टाइम दीजिए प्लीज। ठीक है। ठीक है सर। मधु, रामराव, मुनीश्वर, सब लोग इधर आओ। सर, 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 यस सर, जी सर। ये काव्या नाम की लड़की है सर, इसको किडनैप किया है। हमारे एरिया में सबको अलर्ट कर दो। ओके सर। हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सभी पब्लिक प्लेसेस पर इसको ढूंढो। ओके सर। टोल नाके पर सभी व्हीकल्स चेक करो। किसी पर डाउट हुआ तो अंदर डाल दो। हर वक्त मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहो, लेकिन मीडिया को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। Okay, इस लड़की को हमें कुछ भी करके बचाना है। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। रेड्डी, किसी पर भी डाउट हो तो उसे मार दो। ऐसा ही होगा भाई। सर, ऊपर जाके उस कॉफी शॉप ओनर को लेकर आओ। ओके सर। सर, यही है कॉफी शॉप के ओनर। नाम क्या है आपका? रामकृष्ण सर। अच्छा, रामकृष्ण जी, कितने साल से ये कॉफी शॉप चला रहे हैं? मुझे 15 साल हो गए सर। लास्ट 10 डेज का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। डीवीआर खराब हो गया सर। डीवीआर खराब हुए कितने दिन हुए? 10 दिन हो गए सर। रिपेयर करना चाहिए ना? रिपेयर के लिए देने की सोच रहा था लेकिन हो नहीं पाया। पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करती, ऐसी बातें जोर जोर से करते रहते हैं आप लोग। तो अब आपकी ड्यूटी का क्या? जाइए। उधर 20 लाख, इधर भी 20 लाख, क्या कोइंसिडेंस है? दोनों एक ही तो नहीं है? मुनि चलो। सर, नेक्स्ट क्या है? पैसे लेकर आने के लिए जगह डिसाइड करनी है। जहां पर लोग ना हो ऐसी जगह डिसाइड करो यार। ऐसा प्लेस नो चांस। अरे कब्रिस्तान में भी फुल बोतल रख के बैठे रहते हैं। फिर जहां से फोन किया था वहां आने के लिए बोलो। नहीं नहीं नहीं, नो, जगह बदलने के लिए बोलेंगे। उन लोगों ने अब तक उस जगह को ट्रेस कर लिया होगा। फिर क्या करेंगे? आइडिया। हे, यही पास में एक डिग्री कॉलेज है ना? हाँ हाँ हाँ। वहां आने के लिए बोले तो? सुपर सुपर आइडिया। करेक्ट। हे, तू और लेट मत कर, तू जाकर उस लड़की का रूम लॉक करके आ।
अरे पुलिस आ गई यार। किडनैप के बारे में पुलिस को पता चल गया होगा। नहीं, वो अपने 20 लाख लेने आया होगा। अब क्या करेंगे? हे कुल कुल कुल, हे बल्लू, एक काम करो, जल्दी जाके उस लड़की को छुपा दे, हम लोग मैनेज करते हैं। कहाँ छुपना? यहाँ कोई पहले से क्या एक सीक्रेट जगह छुपने के लिए? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों? चरण, ऊपर जाके सब रूम्स चेक करो, टेरेस पर भी चेक करो, कोटेश्वर राव इधर जाओ। कितने लोग रहते हैं इधर? 3 लोग सर। सर सर क्या हुआ सर? सर क्या ढूंढ रहे हो सर? सब बताओ तुमको। नहीं, हटो। सर 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 क्या हुआ सर? पता नहीं, किसी लड़की को किडनैप किया है, 20 लाख का डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों पर डाउट हुआ इसलिए आए। कुछ मिला? हाँ सर, घर का कोना कोना छान मारा, कहीं भी कोई नहीं मिला सर। मुझे लगता है कि वो यहाँ नहीं है सर। सर हर जगह ढूंढ लिया है सर, पर कुछ भी पता नहीं चला। हाँ बोलो। सर हर जगह ढूंढ लिया, कुछ पता नहीं चला। नहीं मिला? हमने लोकेट किया था ना, हर स्पॉट हर जगह चेक करो, कोई भी जगह छोड़ो मत। डेफिनेटली मिलेगी, मिल जाने के बाद जो इन्वॉल्व है उनका इनकाउंटर कर दो। हाँ, मेरी बेटी को किडनैप करके मुझे से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, छोड़ूंगा नहीं। आज पुलिस से पंगा लिया है तो सबक तो उन्हें मिलेगा ही। दिखाता हूं उनको, सबक तो मिलेगा ही। ए, पैसों की अरेंजमेंट कर रहे हैं सर। पैसा दो और इस शहर से भाग जाओ। जी सर। कल जो बॉडी मिली वो किसकी है पता है? जीआर के बेटे की है, बेटे की। उसको अगर आप लोग मिल गए तो मैं भी नहीं बचा सकता, माइंड इट। चलो चलो सर। सर, सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ सीआई साहब, इतने टेंशन में क्यों हैं? फर्स्ट टाइम इन्हें ऐसे देख रहा हूं मैं। वो एक पर्सनल मैटर है। हाँ? इसलिए वो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं, समझ गए? ओ, वैसे हुआ क्या है उस दिन? एक्चुअली क्या हुआ कि सर। हाँ मैडम, थोड़ी सी आपसे इंक्वायरी करनी है, 2 दिन में केस क्लोज कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ए मुनि। सर, वो हाईवे के पास डेड बॉडी मिली थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? आ गया। भेज सर। दो। ओके सर। सर वो क्या, मैडम बोल दिया ना एक बार क्लोज कर देंगे 2 दिन में, सताइए मत मुझे, जाइए। ठीक है सर। सर रिपोर्ट लीजिए। मुनि। सर, रिपोर्ट आने के बाद बॉडी जिसकी है उसको इन्फॉर्म करो, कहा था? कर दिया सर। कर दिया? यस सर। ये जीआर का मैटर है, पहले मुझे तो बोलना चाहिए था। सर वो एसआईजी मधु का। हाँ सर। ए मधु। सर, उस बॉडी के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया? यस सर। ये जीआर के बेटे का मैटर है, पहले बताना चाहिए था ना। सर आपको बहुत बार फोन ट्राई किया लेकिन आपका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। नॉट रीचेबल है तो डिसीजन आप लोग लेंगे। सॉरी सर।
हेलो, हमने जो व्हाट्सएप पिक्स भेजी है वो तूने देखी होगी ना। तुम्हारी बेटी अनु को किडनैप हमने ही किया है। मैं कौन हूँ पता है ना? तू जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या चाहिए तुमको? 20 लाख। शांति से हमारी बातें सुनकर हमने जो 20 लाख मांगे हैं वो दिए तो तुम्हारी बेटी सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। देखो मेरी बात सुनो। हमने जो कहा है वो सुन और जो कहा है वही कर। पैसों को कैसे और कहां लेकर आना है ये बाद में फोन करके बताता हूँ, तब तक वेट करो। ठीक है सर। जीआर का फोन है सर, आपका फोन बिजी है। हाँ सर बताइए। आप क्या करोगे मुझे पता नहीं, 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। याद रखो ये मेरी बेटी का मामला है, अगर उसे कुछ हुआ तो इंस्पेक्टर एक भी जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए वो मुझे सही सलामत जिंदा चाहिए। वो कोई भी हो कैसे भी हो मैं उनको आपके सामने लाऊंगा ही, थोड़ा टाइम दीजिए। यही है असली मैटर। हाँ। बेटी उसकी किडनैप हुई, टेंशन सीआई को है, ऊपर से जीआर ने अल्टीमेटम दे के नीचे आग लगा रखी है उनके, इसलिए टेंशन में। छोटे आदमी के सर पे हाँ? लंबे आदमी ने मारा हाँ? और लंबे आदमी के सर पे भगवान हाँ? मार रहा है। मासूम लोगों से रिश्वत लोगे तो ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल सही बोला। तो पता था कि वो बिजनेसमैन की बेटी है, झूठ बोल रहा है क्या? क्यों बोला तूने? अरे बता मारे से, बता मुझे, क्यों झूठ बोला? अरे अरे रुको, पुलिस से ज्यादा पावरफुल और कौन होगा? उसने कोई गाड़ी बुक करके खरीदी होगी, इसीलिए तो मैं भी धोखा खा गया। हमने तुमने उससे पूछने के लिए कहा था ना? पूछने से पहले तुम लोग आ गए। हम लोग आधे घंटे के बाद आए, तब तक तू कर क्या रहा था? उसे सीटी मारा था क्या? बोला क्यों नहीं? उसकी बेटी है पता नहीं लगा इसलिए मार रहे हो ना। लेकिन जब पुलिस आई उसे मैंने छुपाया, उसके लिए क्या करोगे? हाँ सही है, उसको कहाँ छुपाया तूने? गेस इट, बताएगा कि नहीं? टंकी में, टंकी में, टंकी में, टंकी में। टाइम क्या देख रहे हो? तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है क्या? पानी तो शाम को 4 बजे आता है। पागल, आज संडे है, पानी सुबह 11 बजे आया होगा। मतलब वो लड़की अब तक। ओ शिट, चल संभाल कर, आराम से। पहले हम मर्डर केस में फंस गए, फिर इसका किडनैप किया, और अगर ये लड़की मर गई तो किसी के मारने से पहले ही हम लोग खुद टेंशन के मारे ही मर जाएंगे। मरते वक्त मेरे साथ रहना, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। चुप कर। इडियट्स। छुपाते वक्त पता नहीं था कि इतनी टेंशन होगी। पानी अगर ज्यादा पियो तो मर जाते हैं, ना पियो तो मर जाते हैं। इससे अच्छे तो दारू है, कितना पियो कुछ नहीं होता, पानी पीना ही बेकार है। चुप कर, ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर थोड़ी देर और होती तो मर जाती हो। तुम्हारे टचेस भी मिस हो जाते हैं ना। इसकी तो कलन, रुक जाओ, आना मत। तेरा नाम इसको कैसे पता? इससे मेरा नाम कैसे पता? बायो पे पता होती है तो नाम भी पता चल जाता है ना। रुक जाओ प्लीज। इसकी तो ओ माय गॉड, हमारे फेस में मास्क नहीं है। हे कल्याण, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता है। बल्लू ने सब बता दिया है, मास्क मत पहनो आप। तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में भी पता है। पर तुम्हारे पापा को हमारे बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि हमारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। सारी फसाद की जड़ तो यही है। इसने ही आपको किडनैप करने का भी आइडिया दिया। इनफैक्ट इसे ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि आप सीआई की बेटी हो। हमें अभी पता चला है कि हमने सीआई की बेटी को किडनैप करके 20 लाख की डिमांड की है। ओके बाबा ओके, कूल, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि मुझे अपने पापा के बारे में पता चला। बट एनीवेज, जब तक उन्हें 20 लाख नहीं मिल जाते तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। सो प्लीज डोंट वरी, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो।
फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, आई अंडरस्टैंड। बलू, फोन देना अपना। क्यों? अपने दोस्तों से पैसे अरेंज करवाती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, आपने अगर इसके फोन या और किसी फोन से भी फोन किया तो वो हर एक कॉल को आराम से ट्रेस कर लेंगे। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम? हम कुछ भी करके सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप यहाँ से जितना जल्दी चली जाएगी हमारे लिए अच्छा होगा। आप यहाँ से स्ट्रेट जाकर राइट लेंगे तो आपको बस स्टॉप मिलेगा। आप वहाँ से कैब लेकर चली जाइए। ओके। हेलो, इट्स मी। हेलो बेटी, किधर हो तुम? ठीक हो ना? तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। फिक्र मत कीजिए, आने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। Are you sure? तुम सच कह रही हो ना, उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है ना? Sure, पापा, मैंने कहा मेरे पापा पुलिस में हैं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ठीक है बेटी, वो लोग कैसे दिखते हैं बताओ? सबके चेहरे पर मास्क था तो मैं किसी को पहचान नहीं सकती। ठीक है बेटी, अब तुम कहाँ हो बताओ? मैं आ रहा हूँ। कैब में हूँ पापा, अब परेशान मत होइए। देखिए, घर पहुँच ही गई हूँ बस। भाई, कैसे मर गया डॉक्टर? मुंह पर बड़ा पत्थर मारकर, लंग्स में गोली मारकर, इसकी सांस रोककर मार दिया सर। सर, सुबह तक मेरे बेटे को जिसने भी मारा है उसको आपको पकड़ना होगा, नहीं तो अपने बच्चों के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। मेरे आंखों से आंसुओं को निकालने वाले को मुझे देखना है। मेरा गुस्सा, मेरा दुख उसे इंस्टॉलमेंट में देना होगा। उसकी मौत कैसे होगी परिचय करा के उसे मारना होगा। जाकर उसे पकड़ने के काम में लग जाओ, जल्दी करो। यस सर। रेड्डी, इन पर यकीन करने से कोई फायदा नहीं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है भाई। ए, बहुत टाइम हो रहा है और सारा रास्ता भी बंद है। अगर कुछ घंटे में सीआई को 20 लाख नहीं दिए तो हमें अरेस्ट कर लेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं, तब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। कहाँ भागेंगे, कितना दूर भागेंगे? ऐसा करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे? अरे यार, अरे यार, ये तो वही है, सीआई है। अरे हे भगवान, अब क्या करें? ये हमारी जान ही लेकर रहेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वही होगा, वही आया होगा। हे, खोलना है या नहीं? क्या करना है, क्या करना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, कूल, ओके, जो होगा होने दो, ओके, पहले जाकर दरवाजा खोल दे, हाँ, हमें डरना नहीं चाहिए, ओके, चलो। सर, आप यहाँ? हाँ भाई, तुम्हारे लिए ही आया हूं। सर, मैं आया क्योंकि ए, कौन है आप? ए पीए, तू अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन मेरे काम के बीच में मत आना। देखो चेयरमैन, तुम्हारे पास केवल दो ही ऑप्शन है। पहला ये कि मुझे मार दो, और दूसरा कि ये जगह मुझे देकर चले जाओ। इन दोनों में जो तुम्हें डिसाइड करना है कर सकते हो। बाय द वे, लाइफ में मैं लोगों को केवल दो ही बार दिखता हूं, एक तो वार्निंग देते समय और दूसरा जान लेते समय। आई होप तुम मेरे उस लिस्ट का हिस्सा नहीं बनोगे। ऐसा आदमी मर गया इसीलिए बहुत लोग खुशी में पार्टी मना रहे हैं, लेकिन तुम लोग तो
दुखी हो रहे हो? नमस्ते वकील साहब। हाँ नमस्ते, बैठिए। बहुत बार आपने हमें बचाया है, इस बार भी आपको हमें बचाना होगा। बताओ। जॉनी नाम का शार्प शूटर अभी पुलिस स्टेशन में है, आपको उसे बाहर लाना होगा। बताइए बात क्या है, वो अंदर क्यों है? जीआर के बेटे के साथ पर्सनल दुश्मनी की वजह से मैंने उसे मारने की कोशिश की थी, उसके लिए मुंबई से जॉनी को बुलाकर उसकी मौत की डेट फिक्स की थी। गौरव की एक वीकनेस भी है, कई का एक लड़की है, करताल में रहती है। एवरी सैटरडे नाइट वो उसको मिलने के लिए फार्म हाउस जाता है, इसके लिए हमने उसका यूज़ किया था। हाईवे रोड क्रॉस करने के बाद फार्म हाउस के मोड़ पर वो व्हीकल को स्लो करेगा। मेरे प्लान के मुताबिक गाड़ी गांव में टर्न होने के बाद स्लो हो गई थी, तभी जॉनी ने टायर पर गोली मारी। क्या हुआ देखने के लिए गौरव कार से उतरा, तभी जॉनी अलर्ट हो गया और गौरव को शूट कर दिया। कोई पीछे लगा है सोचकर मुंह को पत्थर से कुचल दिया, उसके बाद बॉडी लेकर टनल में ले जाकर डाल दिया। उसके बाद फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया। बैलेंस अमाउंट लेकर मेरे आदमी जॉनी को मिलने के लिए पब गए थे, उसको पैसे देते वक्त अचानक वहां पुलिस आई और जॉनी को अरेस्ट करके ले गई। यही सब हुआ है। इंटरोगेशन में अगर उसने हमारा नाम लिया तो जीआर हमें नहीं छोड़ेगा, आपको उसे बाहर निकालना होगा सर। सुबह राजू जी, आप परेशान मत होइए, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उसने इंट्रोगेशन में आपका नाम लिया या नहीं ये पता लगाकर उसे बाहर लाने का काम मेरा है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए, आपका काम हो जाएगा। अब आप खुशी खुशी घर जाइए। थैंक यू वकील साहब। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। चलते हैं। हाँ चलिए। हाँ ठीक है सर। पैसे सर? हाँ ठीक है ठीक है, मैं रखता हूँ। सर देख लीजिए सर। आपके फोन्स नीचे रखो। कैसे अरेंज किया इतना पैसा? कुछ पहचान वाले लोगों से मिला है सर। इतने पैसे? सर हमारे कॉलेज में बहुत स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके लिया है। इतने लोगों को छोड़कर चेयरमैन के पैर पकड़े होते तो हो जाता। जोक किया मैंने। ठीक है, एक हफ्ते के लिए कहीं चले जाओ। सर हमें क्यों जाना होगा सर, लेकिन हमने क्या गलती की है? जाने के लिए कहा ना तो जाने का रीजन भी बताना पड़ेगा। सर मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो क्या होगा? और 20 लाख बोलोगे? इस बार रिक्वेस्ट नहीं, कुछ और ही करना पड़ेगा। आप जैसा बोल रहे हो ना हम वैसा ही करेंगे। जरा इधर आना सर। तुम जरा ज्यादा ही हो, हद में रहना। सर उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए सर। ओके सर, चले जाएंगे सर। ओके सर। ओके माफ कर दीजिए। फोन्स जी लेते हैं सर। नमस्ते एसआई सर। ओह आइए वकील साहब, किसका बिल कराने के लिए आए हैं? जॉनी के लिए। जॉनी का? क्यों ऐसे शॉक क्यों हो रहे हो, उसने इंट्रोगेशन में कुछ बताया क्या? उसके लिए इंट्रोगेशन क्यों सर, टाइम वेस्ट है। पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था तो गिरफ्तार किया, लेकिन उसको बिल देने के लिए आप क्यों आए हैं? क्या करें एसआई जी, लॉयर हूं तो ये तो करना ही पड़ेगा।
एक मिनट सर, कॉल करके आता हूँ। कैरी ऑन। गौरव की बॉडी जहां मिली वहां का सीसीटीवी फुटेज। हाँ आप ले करो। सर इसका नाम जॉनी है, मैंने इसको टू टाउन पुलिस स्टेशन में देखा था। कंफर्म इन्फॉर्मेशन है? वही है सर। उस एसआई को फोन लगाओ। सर हेलो। सर मैं वन टाउन पीएस से बात कर रहा हूँ, हमारे सीआईजी बात करेंगे। सर हेलो। नमस्ते सर, बताइए सर। किसी जॉनी नाम के बंदे को अरेस्ट किया है? यस सर, ओवर स्पीड के लिए अरेस्ट किया है। अभी उसके वकील श्रीनिवास भी आए हैं, 5 मिनट में छूट भी जाएगा। नहीं नहीं, उसे डायरेक्टली मेरे स्टेशन लेकर आओ। किसी ओवर स्पीड केस के लिए नहीं, जीआर के बेटे का मर्डर केस। बेल मत देना, तुरंत उसे यहाँ लेकर आओ। ओके सर, लेकर आता हूँ सर। क्या एसआई जी कुछ लिख रहे हैं क्या? जॉनी के बारे में किसी से बात कर रहे हो क्या? सीआईजी से। एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है जॉनी के बारे में। सॉरी वकील साहब, जॉनी का बेल मुश्किल है क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। सीआई सर ने बताया, अभी पता चला है, वो ओवर स्पीड के केस में अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब? जीआर के बेटे के मर्डर केस में हुआ है। सर वन मिनट। जाके आइए। सुनो सबके लिए गुड न्यूज है। ओ भाई। अरे कैसे नहीं हुआ? जॉनी अरेस्ट हुआ है ना, गौरव मर्डर केस में नहीं हुआ है, ओवर स्पीड केस में हुआ है। अरे 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 ये क्या कर रहे हो? हेलो सर, बैड न्यूज फॉर यू। गौरव को जॉनी ने ही मारा है, सीसीटीवी से पता चल गया है सर। देख कर लगता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जीआर को कभी भी पता चल सकता है, आप कैसे भी करके अंडरग्राउंड हो जाइए सर। किसी पर शक है क्या? क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? बोलिए सर, प्लीज बताइए। जवाब दीजिए सर, प्लीज कुछ तो बताइए हमें। रुक जाइए आप लोग, ये मर्डर ही है, लेकिन ये टाइम ये पूछने का नहीं। पता चलना चाहिए ना सर। आप लोग जाइए। सर आप ऐसे, अरे नहीं, लेकर के बाहर जाओ, लेकर जाओ। भाई क्या हुआ? हमारे गौरव भाई को किसने मारा है पता चल गया। कौन है? वो शंकर और सुबा राजू, फॉर्म हाउस के रास्ते पर जॉनी नाम के शार्प शूटर ने किया है।
और यही नहीं भाई, हमारे गौरव भाई की बॉडी के साथ धंधा कर रहा है वो टू टाउन का सीआई। 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स पर शक करके 20 लाख का रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया है। अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। 2 घंटे के अंदर ही वो शंकर, सीआई, सुब्बा राजू और वो तीनों लड़के मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा भाई, चलो। I am Anandam, ethical hacker. Hi, I am Reddy. It is fully tracing and trapping software installed setup system. And if they use any electronic thing, they will be easily found out. Hindi mein batao. Oh, English nahi aati? Nahi aati hai. Phir kya aata hai? Marna aur marna. Oh. Dikhaun kya? Nahi nahi. Phir Hindi mein bata. उनका बैंक अकाउंट नंबर होगा या फोन नंबर होगा या व्हीकल नंबर पता चला तो हम इजीली पकड़ सकते हैं। कैसे पता चलेगा? दिमाग चाहिए। मतलब? ओ, लगता है वो भी नहीं है। ए! ओ, ऐसा नहीं है, इधर आओ। फोन नंबर बताओ। 8341544129। तुम्हारा नंबर नहीं, सुब्बा राजू का नंबर। 9092510125। दूसरा नंबर बताओ। 9441202116। सॉरी, वो दिमाग यूज नहीं करते। मतलब? स्विच ऑफ कर दिया है। व्हीकल नंबर बताओ। TS09FG4415। ये मेरा व्हीकल नंबर नहीं है सर, उनका व्हीकल नंबर है। गुड, बहुत आगे जाओगे। जिंदा बच जाओ यही काफी है। ए शिट, इट इज ए थर्मल प्रॉब्लम। मतलब? ओ, तुमको तो पता ही नहीं है, वो जहां है वहां का सिग्नल नहीं मिल रहा है। तुझे नहीं पता क्या? वो लोग अगर अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकालेंगे तो हमें पता लग सकता है। उनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर मुझे नहीं मालूम है सर। मैंने तुमसे नंबर पूछा क्या? नहीं पूछा सर। फिर क्यों बोल रहे हो? मुझे लगा पूछोगे। ओवर रिएक्ट मत करना, जितना पूछूं उसका ही जवाब देना, ओके ना? ओके सर। उसके चेकबुक के डिटेल्स चाहिए। सच में उनकी चेकबुक के डिटेल्स मेरे पास नहीं है सर। ओ, तो फिर सोचो। सच कह रहा हूँ, यकीन करिए सर। अच्छा, इधर आओ। तेरी तो। तुमको मैंने क्यों मारा? बिना सोचे बोला इसलिए मारा सर। गुड, अब तुम अच्छे से सोचो। हाँ सर, एक बार मुझे लॉयर फीस के लिए एक चेक दिया था। ऊपर वाले की कसम, अब तक उसको इनकैश नहीं किया है। गुड गुड, निकालो निकालो निकालो। हाँ, ये रहा सर। हाँ लाओ। ओ माय गॉड, वो लोग एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं। कहाँ? मणिकोंडा। यहाँ से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर दूर। इसको भी लेकर चलो। पर भैया सर, हो गया भाई। What happened? इधर बताया था, कहाँ चला गया वो? Cool, cool. अरे cool, cool क्या कर रहा है? कहाँ है वो? Cool, cool, cool. अरे cool कैसे रहूँ? कहाँ है वो बता? कहाँ है वो? किधर गया वो? Cool. उन्होंने ATM से पैसे निकाले हैं ना? इसका मतलब सिटी से बाहर जाने वाले हैं। फिर हमें किधर जाना होगा? इस तरफ चलो। चलो। चलो आओ।
रेडी, उनका व्हीकल ट्रेसिंग एक्टिवेट हो गया है। मतलब? ओहो, उनकी गाड़ी कहाँ जा रही है पता चल गया। किधर है वो? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं वो लोग। ए, तेज चला। हाँ ठीक है भाई। वो लोग 100 किलोमीटर स्पीड से चल रहे हैं, हम लोग 200 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे तो उन्हें पकड़ सकते हैं, समझ गए ना? जी सर। तो फिर चलो। अब कार रोको। क्यों? वो लोग इधर ही कहीं पर हैं। पहले गाड़ी तो तेज चलाने के लिए बोला। पहले बोला था, अब नहीं है, उतर कर ढूंढो। रुको, चलो जाओ। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, रेडी, लेफ्ट लेफ्ट। ओ, इनको इंग्लिश नहीं आती ना, ये लेफ्ट का मतलब नहीं समझेंगे। बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं तरफ मुड़ जाओ, चलो बाईं तरफ। सर, कार यहाँ पर है सर। चलो, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो, 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 जल्दी करो, आ जाओ, हाँ सर, रुक जाओ, रेडी, देखो, रेडी, रेडी, जाकर देखो। रेडी, कूल। वो फिर से हाथ से निकल गए। कूल रेडी, कैसे भाग गए वो? कूल कूल कूल, हम उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, उनको पता चल गया है, इसीलिए कार छोड़कर भाग गए हैं। अब क्या करना है? देखो भाई, इस जगह पर चारों तरफ ढूंढना है, मतलब गोडाउन में, फैक्ट्री में, होटल में, सब जगह ढूंढना है, वो लोग जरूर यहीं पर कहीं होंगे। चलो चलो आओ। चलो। चलो 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 जल्दी। कार रोको। क्यों? प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए कि सवाल का जवाब चाहिए? सोल्यूशन ही चाहिए। तो फिर रोको। ए, गाड़ी रोक। उस आदमी के पास कार रोको, रिवर्स में ले लो। रोको, कहाँ जाना है आपको? महबूब नगर सर। आपके चेहरे पर चोट कैसे लगी? कुछ लोग आकर मुझे मार कर चले गए, मेरी कार भी लेकर चले गए। एक मिनट, रेडी, वो फोटो दिखाओ। यही था ना? हाँ हाँ, यही है सर। अपना कार नंबर बताओ। TS09EC2997। आपकी कार मिल जाएगी, इस कार में बैठिए। रेडी, बताओ। वो लोग कहाँ गए पता चल गया? इधर है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मुर्गी फार्म में गए हैं। ए, चलो चलो, कुछ टफ है तो लेकर आओ। ठीक है भाई, एक मिनट। अरे बुड्ढे साहब, साहब कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना साहब, जाओ लेकर आओ। ठीक है। अरे शंकर। हाँ भैया। गाड़ी को ट्रेस करके, सेल फोन को टैप करके, क्रेडिट कार्ड हैक करके वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, और देर नहीं कर सकते, उस GR को मारना ही होगा। मार देंगे भाई, फिर बाद में बहुत तकलीफ पड़ेगा भाई, और कितने दिन हम ऐसे भागेंगे? अच्छा मौका देकर मार देंगे, नहीं तो वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मार देंगे भाई, मार देंगे हम उसे। ए, कौन है तू, और वो बुड्ढा कहाँ गया? भाई वो मेरे पापा खाना खा रहे, मुझे उन्होंने ही भेजा। ए शंकर, तुम जाओ। ए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे इस आदमी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, तुम GR के आदमी हो हमें पता है, ये मर गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम जिंदा नहीं बचोगे। ए शंकर। ए, रुचा, रुचा। तेरे आदमी के मरने से तुझे प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे बंदे मरने से हमें भी प्रॉब्लम नहीं। खबरदार, हमारे गोली से मरना चाहते हो या हमारे साथ चलोगे, डिसाइड कर ले। मेरे 3 गिनने तक तुम लोग अपनी अपनी बंदूकें नीचे रख दो, तभी तुम लोग जिंदा रहोगे, नहीं रखोगे तो सब लोग मारे जाओगे। 1, 2, 3।
हाँ, परेशानी से बाहर आ गए। खुशी से एक पॉर्न वीडियो देखता हूँ। हे, ये फोन ऑन कर रहा है। ऑफ करने को बोल उसे। इसकी तो इतना शौक क्यों हो रहे हो? फोन ऑन किया तो ट्रेस करेंगे, प्रॉब्लम होगा। ओह, आई कैन अंडरस्टैंड। हे, कार थोड़ा साइड में लगाओ। पर क्यों? सुसु करना है। फिर से सुसु? तुम गाड़ी मत रुकना, चाहिए कार में ही कर दे, बाद में हम क्लीन करवा लेंगे। अरे यार, उस गंध में गोवा तक गए तो मर जाएंगे। प्लीज गाड़ी रोक लो ना। नो वे, तुम्हारे सुसु के वजह से ही हम इतने दूर तक आए हैं। अगर फिर से रोका तो पता नहीं और कितने दूर तक चले जाएंगे। सब कुछ बंद करके बैठ जा, मैं नहीं रुकूंगा। सोच कर बात करो यार। अरे एक दिन ऐसा हुआ तो हर बार ऐसा होगा क्या? प्लीज कार साइड में लगाओ ना। हे अरविंद, तुम बताओ ना। हे अरविंद, बोलना तू। एक बार और रिक्वेस्ट करो। हे अरविंद प्लीज, इसको बोलना यार। हे, गाड़ी रोकना यार, वरना ये बोल बोल कर परेशान करता रहेगा, पागल कहीं का। सीधा लेके लेफ्ट ले लो। रोको रोको ना, फुल स्पीड से आ रही है। ए, जल्दी आना, जल्दी आना। कितना अंधेरा, अपना सेलफोन ऑन करता हूँ। हेलो, कौन? हेलो, गुड इवनिंग सर, मैं जियो से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, बताओ। सर, लकी ड्रॉ में आपका गिफ्ट आया है, आप किधर हो बताएं, हम अपना डिलीवरी बॉय भेजेंगे। कुछ टाइम के बाद भेजूंगा मैडम, मैं बाहर हूँ। क्यों सर? अरे मैं बहुत दूर हूँ। नहीं सर, आप जहाँ रहोगे वहीं भेजेंगे। ये जियो वाले भी ना जंगल में भी ऑफर दे रहे हैं। लेकिन गिफ्ट क्या है? आईफोन सर। आईफोन? गिफ्ट तो बहुत टेम्पटिंग है। आप किधर हैं सर, वो बताएं, वहाँ हमारा ब्रांच हुआ तो बताएंगे, वहाँ जाकर ले सकते हैं। मैडम, घंटीपेट के रूट में नर्सिंग, नर्सिंग सर्कल से आगे जाने के बाद सेवन हिल्स नाम के राइट साइड वाले एग्जैक्टली मैं उसी के ऑपोजिट में हूँ। वो भी घंटीपेट से आ रहे हो तो सेवन हिल्स के लेफ्ट साइड में मिलूंगा मैडम। मैं ना समझ में आए तो फोन करिएगा। सॉरी सर, उधर हमारी ब्रांचेस नहीं है। थैंक यू। इसकी तो कौन है ये? चल जब देखो इसे गलत टाइम पर ही सुसु आता है, पता नहीं कैसा इंसान है। आते हो या उठा कर ले चलें? भाई। हाँ। पूरी सिटी में हमारे लिए सीसीटीवी कैमरा रखा है क्या? नहीं, क्यों? नहीं भाई, हम लोग इसी रूट से जा रहे हैं, आपको कैसे पता चला? एक मिनट। सॉरी सर, उधर हमारी ब्रांचेस नहीं है। थैंक यू। ऐसे? वो तो जियो कंपनी से लड़की थी ना भाई, उससे बात हमने ही करवाई थी। भाई भाई, एक मिनट भाई, कुछ मत समझो। तू बगल में रहेगा तो हमारे लिए बैड लग रहा है। ये फोन ऑन करने के लिए मना किया था ना, और क्यों किया? सॉरी सॉरी भाई। मेरे साथ ही खेलोगे क्या? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा नमक खाकर मेरे बेटे की डेड बॉडी के साथ ही धंधा करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई इंस्पेक्टर? सर, इतनी हिम्मत मेरी क्या, शहर में किसी की भी नहीं होगी। आपके बेटे को बचपन में देखा था, लेकिन उस दिन मुंह की चोटों की वजह से पहचान नहीं पाया था, गलती हुई मुझसे। चंद पैसों के लिए मैंने ऐसी गलती की सर। मेरी बातों में अगर जरा भी खोट निकले तो अभी शूट कीजिए सर। आई एम रेडी टू डाई। मार दूंगा, लेकिन तुमसे कुछ काम बाकी है, वो पूरा होने के बाद मैं जरूर तुम्हें मार दूंगा।
तब तक तुम्हारी मौत को मैं पॉज करके रख रहा हूं। बिना पीछे देखे चले जाओ। मेरे बेटे को क्यों मारा तूने? मेरे छोटे भाई को तुम्हारे बेटे ने मारा था। मेरे भाई को मारने वाला कोई भी हो, उसे हम मारेंगे डिसाइड हुआ था। इसीलिए वो शार्प शूटर जॉनी को सुपारी देकर मारने के लिए कहा। यही हुआ है मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। कैंपस सिलेक्शन में भी सिलेक्ट हुए हैं मैडम। हमारी फैमिली भी हम पे डिपेंड है मैडम। प्लीज मैडम, हम लोगों को छोड़ दीजिए। प्लीज मैडम। ये लोग जो कह रहे हैं वो सच है क्या? चेक किया है मैडम, ये लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अंदर चलो। जी मैडम। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मैडम, एज पर माई ओपिनियन, गलती इन लोगों ने नहीं की होगी, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये लोग बेगुनाह लगते हैं मैडम। एज पर एज माई कंसर्न मैडम, ये तीनों बच्चे बहुत ही इनोसेंट हैं। ये ऐसा कुछ भी करेंगे मुझे नहीं लगता मैडम, इसलिए हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए मैडम। मैडम, आपके सख्त होने के बावजूद मनी पावर और पॉलिटिकल पावर से क्रिमिनल्स बाहर आ रहे हैं। इनका तो फ्यूचर बाकी है, इनको छोड़ देते हैं मैडम। मुझे भी ऐसा लगता है मैडम कि ये सभी लोग मासूम हैं, तो इन्हें छोड़ देना चाहिए। उठो उठो। तुम तीनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ऐसी चीजों में फंस गए तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम तीनों निर्दोष हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। और कभी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व या इंटरफेयर किया तो जिंदगी भर के लिए अंदर डाल दूंगी, जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। तुम तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो जाओ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोगों के गांव में पता चलने से पहले ही हम कैसे बाहर आ गए, नहीं तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ यार, सोचने से भी बहुत डर लगता है। अब हम हैप्पी से गांव जा सकते हैं। एक कदम भी पीछे रखा तो सर तरबूज की तरह उड़ा दूंगी। यहाँ आओ। मैडम, आप यहाँ पर कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? मैडम, आपने ही तो कहा था जाने के लिए, इसलिए घर जा रहे हैं। बहुत अच्छे से मैनेज किया सब। पुलिस स्टेशन में स्टोरी भी बहुत अच्छी सुनाई, इंक्वायरी करने से भी कुछ भी पता नहीं चला। एक कहानी बनाकर उसे सच साबित करके काफी अच्छे से मूव किया, कहीं पर भी किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। कहानी को सच करके आप क्या कह रही है मैडम? वो सच है। क्या सच है क्या झूठ है मुझे अच्छे से पता है,
एनीवे कमिंग टू द पॉइंट, जीआर को क्यों मारा? मैडम हमने नहीं मारा है मैडम। फिर किसने मारा है? वो शंकर सुबह राजू ने मिलकर मारा होगा। हाँ मैडम। तुमने देखा क्या? लाइट गई थी ना मैडम। जस्ट से यस और नो, तुमने देखा या नहीं? नहीं देखा मैडम। तो फिर अब देखो। मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरे छोटे भाई को तुम्हारे बेटे ने मारा था। मेरे भाई को मारने वाला कोई भी हो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उस शार्प शूटर जॉनी को सुपारी देकर मारने के लिए कहा। मेरे बेटे को मारने की तुम लोगों में औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने उसे मरवा दिया, इसीलिए तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ए रेडी। हाँ भाई। तुम्हें मारने के लिए मेरी मर्जी चलेगी और तुम्हें जिंदा रखने के लिए भी। अब मरकर जाओगे या जिंदा रहकर जाओगे, तुम डिसाइड करो। जाओ। साल से इस शहर में धंधा कर रहा हूं। इस शहर में कोई भी चोरी हो या मर्डर हो मुझे पता चल ही जाता है। उसके बाद भी तुम लोगों ने क्या सोचा? मेरे बेटे को मार दोगे मुझे पता नहीं चलेगा? सर हमने नहीं मारा सर, सच में हमें कुछ नहीं पता सर। सच में सर हमको कुछ नहीं पता। हाँ सर सच में हमको कुछ नहीं पता। रेडी? हाँ भाई। देखो डे। मेरे बेटे को भी नहीं पता कि उसकी शर्ट के हर बटन पे कैमरा लगा है, तभी मुझे डाउट हुआ था। तुम लोगों को मैंने इतनी देर इसलिए ही छोड़ रखा। इस शहर में दो वीआईपी मर्डर्स किसने किए हैं पता लगाने के लिए, मंडुआ हाउस में बिजनेसमैन को, फार्म हाउस में पॉलिटिशियन को, तुम तीनों ने ही मारा है और वो मेरे ऊपर डाल दिया। ये पता लगाने के लिए ही कुछ घंटे के लिए तुम्हारी मौत को पॉज लगा रहा हूं। सर वो सर चुप। रेडी? हाँ भाई। इनको आसानी से नहीं मारेंगे, चाकू से काट काट कर मारना है। ठीक है भाई। रेडर ऑन करो, ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। उधर जाकर देखो, किसी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। मार दो इन्हें, मारो। चलो चलो, भाग कर नहीं जाना चाहिए।
ए, कहां छुप गए तुम लोग? ए, उधर ढूंढो। ए रवि, रवि, ए दम है तो सामने आ, छिप कर क्यों बैठा है, सामने आ। हमारे बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, मतलब तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान मिला तो इंसान के साथ रहेगा क्या? उधर जाएगा। हैप्पी जर्नी। देख लिया ना? देखा मैडम। देखा मैडम। अब बताओ किसने मारा है? बताओ। हमने नहीं मारा, मारा मैडम। क्यों मारा? मारने को कहा गया मैडम। किसने कहा? मुझे क्रिमिनल बनाओगे तुम लोग? Huh.
Just a minute. थैंक यू मैडम। काफी नहीं है। इतना काफी नहीं है मैडम, आपको 1 करोड़ और देने होंगे। क्यों? जो डील हुई है वो बहुत बड़ी है ना। अच्छा, डील क्या हुई थी पता है तुम्हें? पता है मैडम। तो बताओ। आपको पता ही होगा कि साल में 400 करोड़ का कोकेन का बिजनेस होता है, आपकी मर्जी से चले, इसलिए जीआर को हमारे हाथों मरवा दिया ना मैडम, डायरेक्ट उस नाइजीरियन से आपका टाई अप हो गया, ऐसा ही है ना मैडम? वाओ, यू आर जीनियस। इसलिए तो मैडम आपने हमें सिलेक्ट किया ना। उस पॉलिटिशियन को फार्म हाउस पर, उस बिजनेसमैन को मंडुआ हाउस में, अब इस जीआर को भी उसके प्लेस पर ही मरवा दिया। हर रोज हमारी जान को कितना रिस्क होता था, थोड़ा तो सोचो मैडम। तुम जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स पर यकीन करना, वो भी इतने बड़े असाइनमेंट के लिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क था ना। रिस्क लेते हैं तभी तो प्रॉफिट होता है। इसीलिए ना मैडम एक्स्ट्रा प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तुम्हें दिए हुए ब्रीफ केस में एक्स्ट्रा 50 लाख ऑलरेडी रखे हैं। फिर रिमेनिंग एक्स्ट्रा 50 मैडम? जॉब रिस्की था, इसीलिए सीआई को भी अपने साथ मिलाकर रखना था, तो एक्स्ट्रा 50 लाख उन्हीं के लिए रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है मैडम? तुम लोगों के कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का रीजन भी मैं ही हूँ। उस कंपनी का सीईओ हमारा आदमी है। सो, कुछ दिन के लिए जॉब एंजॉय कर लो, बाकी बाद में देख लेते हैं। जाओ। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। चलते हैं।